गर्मी प्रचंड है, ताल तालाब सब तेजी से सूख रहे हैं, एक एक बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश राजस्थान में बुरा हाल है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। जितना पानी आप बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं, उतने ही पानी के लिए कहीं खून खराबे तक की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश के दामोह में पानी की पहरेदारी हो रही है। पानी खत्म ना हो जाए, इसके लिए पानी भरने नहीं दिया जा रहा। मानपुर गांव के कुछ लोग आए थे, वहां एक मंदिर के पास एक हैंडपंप है जिसपे कुछ कब्जा किए है, जो अभी पेयजल समस्या चल रही है, उनको पानी भरने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी उसको जाके दिखवाते हैं और उसको मुक्त कराते हैं। आसमान से आग बरस रही है, इंसान जानवर सब बेहाल हैं और ऐसी गर्मी का सामना प्यासा करना पड़ रहा है। जयपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर के गांवों की हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहां 10 दिन में एक बार, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी आता है। दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ पर माना जाता है कि हर सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन दिल्ली में ही जनता पीला पानी पीने को मजबूर है। इसी पानी से नहाना पड़ता है, जिसकी वजह से उम्र से पहले बीमारियां लग गई हैं, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया है, किसी को अलग अलग डिजीज हो गई है, बच्चों के बाल सफेद हो गए उम्र से पहले। बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी की, पानी इस कलर का आ रहा है, पीले कलर का पानी आ रहा है। इसी से हम काम करते हैं और नहाते हैं, बर्तन वर्तन सब धोते हैं, बल्कि खाना भी इसी से धोते हैं, सब्जियां वगैरह। जब सरकार प्रशासन कोई साथ नहीं देता तो इंसान अपना रास्ता खुद तय करता है। सतना के किशनपुर गांव में 55 आदिवासियों ने सूखे पड़े पथरीले तालाब से पानी निकालने का फैसला किया। केवल 3 दिनों में सूखे तालाब से पानी निकालकर सबको हैरान कर दिया गया। भीषण गर्मी और भयंकर जल संकट के बीच जल सेवा का काम भी किया जा रहा है। शाजापुर में हजारों रुपए खर्च करके जल सेवा करने की अनोखी मिसाल नजर आई। गिरिराज भक्त मंडल के सदस्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आरओ का ठंडा पानी पिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्री मानसून में देरी के बीच दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी रही और पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक पालम में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्री मानसून में देरी के बीच भीषण गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से लगातार मुश्किल बढ़ रही है। गर्मी के तेवर देखते हुए मौसम विभाग ने आज और अगले कुछ दिनों के लिए अलग अलग अलर्ट जारी किए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। वहीं मानसून की बात करें तो इसमें रफ्तार देखने को मिल रही है। अब मानसून दक्षिणी अरब सागर, लक्षद्वीप के अधिकांश हिस्से और केरल और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगलवार तक पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात बन रहे हैं। वहीं कल मुंबई में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।